हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीफूड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिग बॉस सीजन 17 के बारे में। सीजन 17 कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहा है उतना जितने कि पुराने सीजन रह रहे थे और जैसा कि प्रीवियस वाला सीजन रहा था, लेकिन स्टिल शो को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं और जियो सिनेमा के कारण जो फ्री इसकी स्ट्रीमिंग चल रही है उस करके इसका फैन बेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है आज की डेट में, जो कि शो को ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं। एनीवेज, अब हम बात करें इस हफ्ते कौन नॉमिनेटेड हैं। तो गाइज, रिंकू, आयशा, अभिषेक और नील भट्ट, ये लोग हैं, ये कंटेस्टेंट्स हैं जिनको इस हफ्ते नॉमिनेट करा गया था घर से बेघर करने के लिए। आइए जान लेते हैं कौन हुआ एविक्ट या हुई एविक्ट इनमें से। सबसे पहले तो रिंकू धवन शो से एविक्ट हो चुकी हैं, घर से बाहर हो चुकी हैं। काफ़ी टाइम ये रह गई सीरियल में, वरना लोग सोच रहे थे कि स्टार्टिंग के 2-3 हफ्तों में ही बाहर आएंगी, लेकिन काफ़ी टाइम तक रह गई। लेकिन अब एक ट्विस्ट है यहाँ पर, ट्विस्ट ये है कि सिंगल एविक्शन नहीं, इस बार हमें डबल एविक्शन देखने को मिलेगी इस बार के वीकेंड पर। बिकॉज इतने ज़्यादा देर इन्होंने कई बार नो एविक्शन करा है, इसी के चलते हुए अब इन्होंने जल्दी जल्दी ख़त्म करने हैं बंदे, जल्दी जल्दी कंटेस्टेंट को ख़त्म करना है, कम करना है, इसी करके इस बार डबल एविक्शन करी गई। तो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से एक और जो एविक्ट हुए वो है नील भट्ट। नील भट्ट को हम गुम है किसी के प्यार में और बिग बॉस 17 में काफ़ी देख चुके हैं। दोनों ही शोज़ से इनका फैन बेस भी काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी देर तक ये आगे आए। अभी लास्ट वीक ही इनकी वाइफ ऐश्वर्या शर्मा बाहर आई, जो कि वोट्स के आधार पर नहीं, ईशा मालविया के कारण बाहर आई। लेकिन अब नील भट्ट भी बाहर आने वाले हैं जस्ट नेक्स्ट वीक ही। तो यहाँ पर नील भट्ट और ऐश्वर्या दोनों का टाइम बिग बॉस में ओवर होने का बिल्कुल एक हफ्ते का डिफरेंस ही था। और नील भट्ट और रिंकू दोनों ही, इनकी बॉन्डिंग भी अच्छी थी शो में, और दोनों ही एक साथ आउट आएंगे, यानी कि एक ही हफ्ते में आउट आ रहे हैं डबल एविक्शन के साथ। कमेंट्स में बताइए इन दोनों में से किसको मिस करेंगे, डिसीजन सही लगा बीबी का या फिर नहीं। सारी अपकमिंग बिग बॉस की न्यूज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़ मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।